हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मावे वाले मोदक। इसे बनाना बहुत ही आसान है, मात्र 5 मिनट में आप इसे घर पे बना के तैयार कर सकते हैं और आपको मावा बनाने में जो बहुत सारा समय लगता है उसे भी बच सकते हैं। तो ये सामग्री देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने घी, दूध और मिल्क पाउडर ले लिया है मावा बनाने के लिए। यहाँ पर मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ 2 छोटे चम्मच घी, और घी को हल्का गर्म होने देते हैं और उसके बाद में डालेंगे दूध। तो दूध जो है 1 कटोरी मैंने लिया है और इसे हल्का सा गर्म होने देते हैं। हल्का सा गर्म होने के बाद में दूध में हम डालेंगे मिल्क पाउडर। जितना हमने दूध लिया है उतना ही हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। तो दूध जो है हल्का सा गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें मिल्क पाउडर को डाल देती हूँ और इसे लगातार चलाते रहना ताकि इसमें जो गुठलियाँ हैं वो ना बने, और सारी गुठलियों को अच्छे से हमें ख़त्म कर देना है चलाते चलाते। और धीरे धीरे बहुत ही जल्दी 5 मिनट के अंदर ही ये गाढ़ा होने लगेगा। आप देख सकते हैं ये गाढ़ा हो चुका है अच्छे से। तो यहाँ पे मैं ऑरेंज फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो बिना किसी कलर के भी आप इसे बना सकते हैं। ये देखिए, इसे डाल के मिक्स कर दीजिए और मावा जो है तैयार हो चुका है। इसे हम ठंडा होने देते हैं, तब तक हम कुछ ड्राई फ्रूट्स जो है रोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैन में डाल दिया थोड़ा सा घी और बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, जो भी आपके पास में हो आप डाल सकते हैं इसमें, और इसे अच्छे से रोस्ट कर लेना है। ये देखिए, इसका जो कलर है हल्का हल्का बदलने लगा है। अब मैं इसमें डाल दूंगी नारियल का पाउडर, ये मैंने आधा कटोरी नारियल का पाउडर जो है इसमें डाल दिया है। ये हो चुका है, गैस बंद कर देंगे। और यहाँ पे जो मावा मैंने तैयार किया था वो भी ठंडा हो चुका था, तो जो हमने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किए थे उसे मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे पीसी हुई चीनी। आप जितना मीठा पसंद करते हैं इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मिल्क पाउडर जो है वो खुद भी बहुत मीठा होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए शक्कर जो है आप ऐड कीजिए इसमें और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ध्यान रखिए कि जब मावा ठंडा हो जाए तभी शक्कर को आपको डालना है, नहीं तो मावा पिघल सकता है। और यहाँ पे मैंने ले लिया है मोदक का साँचा और उसमें लगा लिया है घी। तो आप इस तरह से एक लड्डू बना लीजिए हाथ में, और इसे हम इसमें इस तरह से रख देंगे और अच्छे से दबा दबा के इसमें भर लेना है। ये देख सकते हैं मैं किस तरह से इसे अच्छे से प्रेस करते हुए दबा रही हूँ, तभी जो हमारा मोदक का आकार जो है बहुत ही परफेक्ट आएगा। इस तरह से दबा के भरना है आपको, और उसके बाद में साँचा को पूरा बंद कर दीजिए। जो भी एक्स्ट्रा बाहर निकल के आता है उसे हम इस तरह से निकाल लेंगे हाथ से। तो यहाँ पे भी अच्छे से दबा देंगे। चलिए फ्रेंड्स, खोल के देखते हैं, हमारा मोदक जो है तैयार हो चुका है। ये देखिए, बहुत ही टेस्टी मोदक खाने में लगता है, और जो इसके किनारे हैं इस तरह से हाथ से दबा दीजिए। तो ये मोदक बनके तैयार हो चुके हैं, आप भी इसी तरह से बनाइए। अब मैं आपको एक मोदक और बना के दिखाती हूँ, बहुत ही झटपट आप मोदक साँचे में बना सकते हैं, बिना साँचे के भी आप मोदक हाथ से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको साँचे में दिखा रही हूँ, इस तरह से राउंड बना लीजिए अच्छे से गोला बड़ा सा, और उसे हम इस साँचे में भर देंगे अच्छे से दबा के। ढीला नहीं भरना, नहीं तो मोदक का जो शेप है वो बराबर नहीं आने वाला है। तो इसी तरह से सारे जो मोदक हैं हम तैयार कर लेंगे, और बहुत ही झटपट जो है मोदक बनके तैयार हो जाते हैं। तो आप भी इसे ट्राई कीजिए और साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मोदक जो है तैयार हो गए हैं। अब मैं बताने वाली हूँ, अगर आपके पास में साँचा नहीं हो तो आप किस तरह से मोदक बना सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ फटाफट। तो आप इस तरह से गोला बना लीजिए हाथ में लेके, ये देखिए इस तरह से लड्डू के आकार का बना लीजिए, और आपको उसे मोदक का आकार देना है इस तरह से पॉइंट करते हुए। जिस तरह मोदक रहता है उसी तरह से आपको हाथ से इस तरह से बना लेना है। तो आप इस तरह से भी मोदक बना सकते हैं बिना साँचे के, और उसके बाद में चम्मच की सहायता से इस तरह से लकीर खींच लीजिए
चाहे आपके पास में टूथपिक है तो उससे आप इसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स मोदक बनके तैयार हो चुके हैं, तो अभी इसे ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।